स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कुछ इस तरह से है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2। आपको प्रूव करना है कि फंक्शन न तो 1 1 है और न ही 1 2 है, और x डिनोट करता है द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x, x डिनोट करता है लेस देन और इक्वल टू x, x जो है वो लेस देन और इक्वल टू x। जो x है ग्रेटेस्ट इंटीजर वो लेस देन और इक्वल टू x है। तो अब हम यहाँ देखते हैं 1 1 के लिए। तो 1 1 देखने से पहले हम समझ लें कि मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर से मतलब है अगर हम यहाँ पर वैल्यू कोई लेते हैं 1.1 तो इसकी वैल्यू आती है 1। 1.2 लेंगे तो भी इसकी वैल्यू आएगी 1। 1.3 लेंगे तब भी इसकी वैल्यू आएगी 1। यानी कि 1.99 तक लेंगे तो भी इसकी वैल्यू 1 आएगी, और जब हम 2.1 लेंगे तो भी इसकी वैल्यू 2 आएगी, और 2.9 लेंगे तब भी इसकी वैल्यू 2 आएगी। इस तरह से हम देख सकते हैं, अगर हम एरो डायग्राम बनाते हैं तो ये सेट फर्स्ट है और ये सेट सेकंड है। इसमें अगर हम 1.1 लेते हैं तो हमें 1 मिलता है, 1.2 लेते हैं तो भी हमें 1 मिलता है, हम 1.3 लेते हैं तो भी हमें 1 मिलता है। यानी कि कोई भी हम x की वैल्यू कोई भी ले लें तो हमें फंक्शन में इंटीजर ही मिलेगा। कोई भी x की वैल्यू ले लें तो फंक्शन में इंटीजर ही मिलेगा। इसका मतलब हुआ, अब अगर हम यहाँ सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज नॉट यूनिक इमेज इन सेट बी, यूनिक इमेज नहीं है, मैनी एलिमेंट की सेम इमेज हैं, सो फंक्शन इज नॉट 1 1, हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होगा। इसके बाद हमें प्रूव करना था नाइदर 1 1 नॉर 1 2। 1 2 के लिए हम देखते हैं कि 1, अगर हम यहाँ पर 2.1 लेते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी 2, अगर हम 2.2 लेते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी 2। यानी कि कोई भी सेट बी का एलिमेंट 1.2 नहीं हो सकता। इसकी प्री इमेज, जबकि ये रियल नंबर टू रियल नंबर है, इसमें हम कोई भी ले सकते हैं। तो अगर हम 1 के अलावा और 2 के अलावा बीच का कुछ नंबर लेते हैं तो उसकी प्री इमेज हमें सेट ए में नहीं मिलती है, तो ये 1 2 भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि सिंस बाई इक्वल टू 1.2 इन सेट बी डज नॉट हैज प्री इमेज इन सेट
ए सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, तो ये हमारा फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा क्योंकि ये जो 1.2 एलिमेंट है बिकॉज वन सेंस 1.2 बाई मत लिखो क्योंकि यहाँ बाई नहीं दिया है, तो ऐसे ही लिख लो सेंस 1.2 इन सेट वी डज एलिमेंट लिख दो, एलिमेंट लैंग्वेज थोड़ा ऐसी लिखो जो ठीक लगे, एलिमेंट 1.2 इन सेट बी डज नॉट हैज प्री इमेज इन सेट ए सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, तो फंक्शन ना तो 1.1 है और ना ही ऑन टू है, नोट डाउन इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है कि सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, आपको फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज नाइदर 1.1 नॉर ऑन टू, न तो ये 1.1 है ना ऑन टू है, वेयर मॉड एक्स इक्वल टू एक्स पॉजिटिव एक्स होगा इफ एक्स इज पॉजिटिव और जीरो, और मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होगा इफ एक्स इज नेगेटिव, अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड एक्स नेगेटिव होगा, ये बताया है आपको। तो हम देखते हैं 1.1 के लिए, तो 1.1 के लिए अगर हम देखें यहाँ पर तो लेट एक्स वन एंड एक्स टू बी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स और सच दैट, किस तरह से हैं, सच दैट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, अगर हम इसकी जगह x1 पुट करेंगे तो ये मॉड x1 आएगा, अगर x2 पुट करेंगे तो मॉड x2 आएगा, यानी कि एफ एक्स वन हो जाएगा मॉड x1 और एफ एक्स टू हो जाएगा मॉड x2। जब इनका मॉड ओपन करते हैं तो ये प्लस माइनस आता है x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, यानी कि मॉड में माइनस x2 की वैल्यू भी प्लस x2 होगी और प्लस x2 की वैल्यू भी प्लस x2 होगी, दोनों पॉजिटिव होती हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक सेट A के मैनी एलिमेंट की सेम इमेज होगी, कैसे होगी, देखो एरो डायग्राम से बताते हैं। सेट हमारा है रियल नंबर टू रियल नंबर, और अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो मॉड 1 की वैल्यू भी 1 आएगी, और अगर माइनस 1 लेते हैं तो उसकी वैल्यू भी 1 आएगी, यानी कि 1 की इमेज भी 1 है और माइनस 1 की इमेज भी 1 है, मैनी एलिमेंट की सेम इमेज है। अगर हम 2 लेते हैं तो इसकी इमेज भी 2 होती है, और अगर हम माइनस 2 लेते हैं तो इसकी इमेज भी 2 होती है, तो मैनी एलिमेंट की इमेज सेम है तो ये 1.1 नहीं होगा, सिंस मैनी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सेम इमेज इन सेट बी सो फंक्शन इज नॉट 1.1, फंक्शन हमारा 1.1 नहीं होगा। अब देखते हैं हम ऑन टू के लिए, तो ऑन टू के लिए एफ एक्स इक्वल टू है मॉड एक्स, तो बाई इक्वल टू हो गया मॉड एक्स, तो जब हम मॉड हटाएंगे तो
एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस बाई। तो बाई की हर वैल्यू के लिए हमें एक्स मिलता है कि नहीं, यानी कि ईच एलिमेंट के लिए हमें प्री इमेज मिलती है कि नहीं। अगर हम बाई प्लस वन लेते हैं तो उसकी प्री इमेज वन है, अगर हम बाई माइनस वन लेते हैं तो इसकी प्री इमेज यहाँ नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस बाई इक्वल टू माइनस वन इन सेट बी डज नॉट हैज प्री इमेज इन सेट बी सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा, न तो ये वन वन होगा न ऑन टू होगा, क्योंकि सेट ए के मैनी एलिमेंट की सेम इमेज है और सेट बी के माइनस वन एलिमेंट की कोई भी प्री इमेज नहीं है, यानी कि किसी भी निगेटिव एलिमेंट की सेट बी के किसी भी निगेटिव एलिमेंट की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। नोट डाउन इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कहता है कि सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू वन होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो होगा इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, और वन होगा इफ एक्स इज लेस देन जीरो। तो न तो फंक्शन वन वन होगा और न ही ये ऑन टू होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो हम यहाँ देखते हैं एरो डायग्राम से, वन वन के लिए ये हमने लिया कोई सेट ए और ये ले लिया सेट बी। दिया है कि वन, अगर एफ एक्स की वैल्यू वन होगी अगर एक्स हमारा जीरो से ग्रेटर है, तो जीरो से ग्रेटर का मतलब हमने वन ले लिया तो इसकी वैल्यू वन आती है, हमने 2 ले लिया तो भी इसकी वैल्यू 1 आती है, अगर हमने 3 ले लिया तो भी इसकी वैल्यू 1 आती है, क्योंकि कहा है कि if x is greater than 0 then fx equal to 1। अब अगर हम fx 0 लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 0, अगर x less than 0 है तो fx की वैल्यू 1 है, यानी कि अगर हम यहाँ पर x माइनस वन ले लें तो भी वैल्यू वन होगी, अगर हम x ऐसे मत घुमाओ सीधे ले लें, अगर x माइनस टू लेते हैं तो भी इसकी वैल्यू वन होगी। तो हम देखते हैं कि मैनी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सेम इमेज इन सेट बी सो फंक्शन इज नॉट वन वन, सिंस मैनी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सेम इमेज इन सेट बी सो फंक्शन इज नॉट वन वन, फंक्शन हमारा वन वन नहीं होगा, क्योंकि ईच एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं है, यहाँ मैनी एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, इसलिए ये वन वन नहीं होगा। अब देखते हैं हमें ऑन टू के लिए, ऑन टू में सेट बी में अगर हम टू लेते हैं तो टू की कोई प्री इमेज हमें सेट ए में नहीं मिलती है, टू की कोई भी प्री इमेज सेट
बी ए में नहीं मिलती है इसलिए ऑन टू भी नहीं होगा, तो हम लिखेंगे सेंस एलिमेंट, जबकि ये जो टू है वो एलिमेंट है सेट बी का, क्योंकि क्या कहा है फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी कि इसमें सभी रियल नंबर आएंगे, तो हमने टू ही लेके बता दिया है, कोई भी ले सकते हो आप। एलिमेंट टू इन सेट बी, बी डज नॉट हैव, डज नॉट हैज प्री इमेज इन सेट ए, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन हमारा ऑन टू भी नहीं होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन हमारा ना तो वन वन है ना ऑन टू है। वन वन क्यों नहीं है, कि मैनी एलिमेंट ऑफ ए हैज सेम इमेज इन सेट बी, और ऑन टू क्यों नहीं है, कि एलिमेंट टू इन सेट बी डज नॉट है प्री इमेज इन सेट ए। तो फंक्शन नाइदर वन वन और नॉर ऑन टू। थैंक यू, नोट इट।